यहाँ हम इस मैटर के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जाए और जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं लोकतंत्र में एक तरफा लिए गए फैसले लोकतंत्र की आत्मा को ही मार देते हैं, और ये कहावत सिद्ध कर दी है जीएसटी डिपार्टमेंट गुड़गांव ने, जहां पर दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है फेक जीएसटी रिफंड के मामले में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट गुड़गांव ने कुछ ऐसा किया जो लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ज्यूरी डिक्शनरी को शर्मसार कर सकता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार किया बल्कि आरोप है कि उनके कपड़े तक भी उतरवाए गए। इसके साथ साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बंधु जो वहां उनके पक्ष में बचाव के लिए पहुंचे, उन लोगों को भी वहीं नजरबंद कर लिया गया और डिपार्टमेंट के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। ये घटना कल की है और वहां से जो वीडियो साझा हुई, एक बार हम आपको उनके माध्यम से इस पूरी कहानी को समझा देते हैं। हमारे चेयरमैन नवीन जी आज यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट में सबने इकट्ठे हुए हैं। दो सीए को कल अरेस्ट कर लिया था और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है। इसके रिगार्डिंग हम दोपहरी से यहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने इतनी बड़ी बदतमीजी करी है, सारे गेटों में ताला लगा के हमें अंदर बंद कर दिया और जो बाहर के सीए उनको अंदर नहीं आने दिया। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग जल्दी जल्दी इकट्ठे हुए। नवीन जी, इसके बारे में कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, कल रात के 1 बजे तक डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर सीए का कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। जिसने मिस्टेक करी है वो अभी तक फरार है। आपने फरार कराया या नहीं कराया हमें नहीं पता इसके बारे में। जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो कहीं पर ऐसा पता नहीं है। जस्ट एक थोड़ी सी फीस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजली जो काम करता है वो काम किया है। आप क्या उसको अरेस्ट कर लोगे? जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस ऑफिसर ने रिफंड इशू करा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है अभी तक। तो कितना बड़ा रिफंड थोड़े टाइम के अंदर अगर पास हुआ है, एक दिन के अंदर 15 करोड़ रुपए का रिफंड एक दिन के अंदर पास हो गया, 3-4 दिन के अंदर हो गया। डिपार्टमेंट में रिफंड कैसे होते हैं हम सबको पता है। एक एक सीए ने केवल अपने एक ओटीपी अपने किसी दोस्त को जो की राइजनिंग कर रहा था, केस को बना रहा था, अगर उसको दे दिया है, क्या एक ओटीपी कितनी बड़ी सजा की? इसको जेल डाल दोगे आप? तो दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सीजीएसटी डिपार्टमेंट गुड़गांव के अंदर आप लोग आइएगा और डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को हम लोगों को आज दिखाने की जरूरत है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप लोगों का साथ दे सकता है, हमेशा साथ मिलाकर आप लोगों के साथ में काम किया है, आपकी हेल्प करी है। रिवेन्यू कलेक्शन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमेशा साथ दिया है। जब से जीएसटी आया है हम लोगों ने सेमिनार के थ्रू में तो देखिए किस तरीके से डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को कहता है कि हम लोग उनके साथी हैं, लेकिन वही दूसरी ओर बिना किसी सबूत के और बिना किसी पक्ष को सुने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार कर लेता है। रात सारी रात ये प्रोटेस्ट चलता रहा। थोड़ी देर बाद द इंडियन पल्स की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दो सीए थे, एक सीए ने हमारा ओटीपी शेयर किया और यूडन के लिए, और दूसरे सीए ने उसकी एप्लीकेशन लगाई फॉर रिफंड। अब जैसे ही रिफंड की एप्लीकेशन लगी डिपार्टमेंट के पास, वो रिफंड की एप्लीकेशन पहुंची और डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर ने उसकी रिफंड की एप्लीकेशन अप्रूव करी और फिर उसके बाद एसएससी को पैसा रिफंड 15 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब जब ये सारा पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ डिपार्टमेंट की रजामंदी से, उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने डिपार्टमेंट ने उठाए हमारे दो सीए, परसों उठाए थे, और दोनों सीए को उठा के नंगा किया गया है यहाँ बोनसी जेल में और उनको उत्पीड़न किया गया है, किडनैप किया गया। हमारे एक सीए को तो ऑफिस पे था नहीं, वो उसको बुलाया गया फोन करके, वो सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट के लिए आया अपने ऑफिस, और तब भी उसको वहां से उठा लिया गया, पूरा केस बनाया गया। और फिर बाद में जाके इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे से अभी पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कंप्लीट नहीं हुए, इस करके चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करके बैठा हुआ है, हम यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे हैं मेदांता के अपोजिट, और उसमें भी ये यही कर रहे हैं कि हमारे 70 सीए अंदर बैठे हैं, इंक्लूडिंग हमारे एनआईआरसी के चेयरमैन और हमारे गुड़गांव ब्रांच के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उनको अंदर बंद करके बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट वालों ने सभी गेटों पे ताला लगा रखा है यहाँ पे। और तो सरकार के लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहते हैं, वो इस बात को संज्ञान में लें और देखें कि इस मामले में जीएसटी डिपार्टमेंट का रुख किस तरीके से असंवैधानिक हो गया है। द इंडियन पल्स आपकी आवाज ऐसे ही लेकर आप लोगों के बीच में आता रहेगा, सरकार के पास तक आपकी आवाज पहुंचाता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए।
थैंक यू वेरी मच।